हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर सक्सेसिवली इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द टू केसेस विल बी ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 1:1, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 1:4। तो लेट अस हैव द की कंसेप्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। की कंसेप्ट यहाँ पर ये है, सपोज करिए हम लोग यहाँ पर एक मेटल सरफेस लेते हैं। दिस इज द मेटल सरफेस। और यहाँ पर एक इंसिडेंट लाइट है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब लाइट इसको टकराएगा तो ये बाहर निकलेगा विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हर एक मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट। सो फ्रॉम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, से आप लिख सकते हो के मैक्स होगा इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब इंसिडेंट एनर्जी जो होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा और एच इंटू एफ। और वर्क फंक्शन होगा एच सी बाई लैम्डा नॉट और एच इंटू एफ नॉट। लैम्डा नॉट और एफ नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है रेस्पेक्टिवली। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट केस में कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स K1 इंसिडेंट एनर्जी, तो पहला केस में इंसिडेंट एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन है 0.5, तो ये आपका 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेकेंड केस में इंसिडेंट एनर्जी इज 2 - 0.5, 2 - 0.5 is 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Therefore, K1 by K2 जो होगा, that is 0.5 by 1.5, 1/3। तो आपका जो रेशियो है 1:3 रेशियो। In this way, the final answer is option C. Option C 1:3 is the final answer. Hope you understand it well. All the best.